टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी का ऐलान, तीसरे टर्म में होंगे और बड़े फैसले। भारत को वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का ब्लूप्रिंट रखा। श्वेत पत्र पर सियासत के बीच मोदी ने कहा, मेरे लिए राजनीति नहीं राष्ट्रनीति अहम। टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आज दूसरा दिन। समिट में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे 2024 का रोड मैप। सुबह 10:30 बजे बिजनेस समिट में बोलेंगे अमित शाह। संसद के बजट सेशन के अंतिम दिन आज राम मंदिर पर पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव। सदन को संबोधित कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हीप जारी किया। हल्द्वानी में हिंसा के बाद कर्फ्यू का आज तीसरा दिन। अब तक 5 लोगों की मौत। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा, जिसने नुकसान पहुंचाया उससे भरपाई करनी होगी। ज्ञानवापी मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी का भड़काऊ बयान। मस्जिद के नीचे पूजा बंद होने की मांग की। मौलाना ने कहा, ये मुसलमानों को मिटाने की साजिश है।